अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल स्मार्ट टेक वन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा व्लॉग है जिसमें हम पहले भी एक व्लॉग बना चुके हैं इस कैमरे पर, वो है IMU वर्सा। लेकिन जो हमने पहले व्लॉग बनाया था उसमें इसको अनबॉक्स नहीं किया था, तो इसकी बहुत ज़्यादा क्यूरी ये थी कि इसका हमें रिजल्ट देखना है, इसको अनबॉक्स करें, ये क्या क्या फंक्शंस करता है। तो आज हमने ये सोचा कि चलो सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए हम इसको अनबॉक्स कर देते हैं और इसका रिजल्ट भी दिखाते हैं। लेकिन अनबॉक्स करने से पहले मैं हमारे चैनल पर आने वाले सभी नाज़रीन को ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। इसमें आपके पास आ जाता है, पहले फंक्शन अनबॉक्स करने से पहले मैं इसे बता दूँ कि 2 मेगापिक्सल है, फुल HD है, फुल कलर में है। सेकेंड इसके थर्ड है फुल कलर नाइट विजन, अंधेरे में भी आप इसको लगाएं आपके आप पूरे कलर्स देगा। ये हमने खुद आजमाया है ये बात को। तो ह्यूमन डिटेक्शन हमारा टीऑक करता है, लेकिन इसके अंदर भी ये सिस्टम है कि जैसे इसके आगे से कोई इंसान गुजरेगा ये फटाफट डिटेक्ट कर लेता है उसको। और फोर्थ है इसका साउंड डिटेक्शन, जैसे आपके आसपास जहां आपने वर्सा इंस्टॉल किया हुआ है वहां आसपास कोई मशकूक हरकत हो रही है तो आप इसमें साउंड डिटेक्शन भी कर सकते हैं, आप वॉइस अपनी भेज सकते हैं। और बिल्ट इन सायरन है इसके अंदर, और IP65 वेदर प्रूफ आउटडोर कैमरा है, वैसे भी 24/7 रिकॉर्डिंग वो तो लाजमी बात है आपने जब मेमोरी कार्ड इसके अंदर लगाना है। और 2-way टॉक जो कि मैंने बताया आपको कि इसमें है। और 9th ऑप्शन है क्लाउड सर्विस, और ये कैमरा क्लाउड सर्विस के अलावा एलेक्सा के साथ भी वर्क करता है। तो चलें अब अनबॉक्स करते हैं इसको। करूंगी तो ज़रा तरीके से करूँ ना अनबॉक्स भी, ऐसे नहीं कि बस ये फैली भाड़ी ये करा, ऐसे हम काम नहीं करते। लेकिन नहीं लग रहा, नहीं है ये, आ गया। ये बॉक्स हो जाता है अलग, आपके पास बचता है सिर्फ ओनली ये बॉक्स। अब इसके अंदर से हमारे पास निकलता क्या क्या है पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये बॉक्स हो रहा है अनबॉक्स, आपके पास आ जाती है क्विक स्मार्ट गाइड जिसके अंदर इसका बारकोड भी है कैमरे का, जो कैमरे पे लगा होता है, जो आपने अपने मोबाइल में एप्लीकेशन में डालना होता है बारकोड कैमरे को एक्सेस देने के लिए। एप्लीकेशन एक ही यूज़ होता है इसमें, वो है IMU लाइव। IMU का अपना ऑफिशियल वो है एप्लीकेशन, और ये इसकी आ गई जनरल गाइडलाइन बुक, ठीक है। और इसकी आ गई है पावर केबल। अच्छा, ये कैमरा आता है अमूमन, दूसरे कैमराज भी हमने देखे हैं जैसे कि बुलेट 2E 2C, सबके साथ एंड्रॉयड केबल आती है, इसके साथ भी एंड्रॉयड केबल ही आती है। अब ये देखें, बस ये कैमरा है और उसकी पावर सप्लाई है, सिर्फ इतने से बॉक्स में। ये कैमरा दिखता ही अपने रिजल्ट की हिसाब से, और नो डाउट इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अब ये मैं पहले इसको ओपन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इसका रिजल्ट भी शो करा दूंगा। कम से कम भी 1.5 मीटर के करीब इसकी है ये वायर, और ये भी बहुत है एक्सेस, तो आप चाहें जितना एक्सटेंड करना चाहें आप नॉर्मली भी दूसरे वायर जोड़ के भी कर सकते हैं। इसकी कोड खोलना नहीं चाह रहा हूँ कि ताकि कोड खोले बगैर ही मेरा काम हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि होगा, हो गया, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। और आज मैं रिजल्ट इसका शो करवाऊंगा यहाँ पे बैठे हुए ही। अमूमन 2-3 कैमरास के मैंने रिजल्ट शो कराए बाहर से, क्योंकि वो जो लास्ट हमने कैमरे का रिव्यू दिया वो था फिश आई कैमरा, उसको एनालॉग की जरूरत होती है, तो एनालॉग सेटअप हमारा उस कॉर्नर पे लगा हुआ है। ये कैमरा आ गया आपका बाहर, बस ये कैमरा है, ये रहा। अब ये बॉक्स के अंदर से हमारे पास और कुछ नहीं, बॉक्स है खाली। अब एक ये स्पीकर निकलता है इसका, डबल टेप है ये, स्पीकर नहीं है सॉरी,
डबल टैप के जरिए भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये इसका है मैग्नेट, आपने कहीं भी प्लेस किया तो पहले आपने मैग्नेट फिक्स करना है दीवार पे या हैंगिंग जहां पे भी, वहां पे इस कैमरे को लगा देना है। तो कैमरा आपका कहीं भी नहीं जाएगा। और साथ साथ आपको मैं दिखाता चलूं, ये एक आप होल देख रहे होंगे, आप ऐसे भी हैंग कर सकते हैं, जैसे अमूमन जैसे फोटो फ्रेम्स वगैरह आप घर में हैंग करते हैं। और ये साथ में इसके स्क्रूज आ जाते हैं, इन चीज़ों की हमें अभी ज़रूरत है नहीं। और साथ में आपको शोर भी महसूस हो रहा होगा दुकान पे, हमारे क्योंकि दूसरे ही वर्कर्स काम कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनका भी शोर आता रहता है। मैं इसको ओपन ऑन कर देता हूँ अभी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो गया ऑन। ऑन होने पर ये देगा लाइट, जैसे कि रेड लाइट दे रहा है, अब ये नजर आ रही है आपको। अब मैं इसका दूंगा रिजल्ट, रिजल्ट देखने के लिए आपको ब्लॉग पूरा देखना होगा। और हाँ, मेन बात, आपको मोबाइल में एक्सेस देना है तो यहाँ पे इसका बारकोड, बारकोड तो दिखा दूँ, ये लगा हुआ दिख रहा होगा आपको शायद, तो पता नहीं कैसा दिख रहा है, इससे आपने स्कैन करना है। और हाँ, साथ साथ ये दो बटन से दिख रहे होंगे, ये एस डी कार्ड स्लॉट, यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगता है इसका, और ये है इसका रीसेट बटन। रीसेट बटन जब यूज होता है, जब जैसे आपकी कार्ड की मेमोरी फुल हो गई, वैसे तो ऑटोमेटिक रिमूव करता रहता है पुरानी वीडियोस ना। और इसके ऊपर फ्रंट पे अभी भी एक कवर एक्स्ट्रा चढ़ा हुआ है, जो कि ना भी हटाओ तो मसला नहीं है, रिजल्ट आपके पास परफेक्ट ही देता है। और ये इसका स्पीकर और बिल्ट इन सायरन का सिस्टम। तो मजीद और सीसीटीवी कैमरास की, बायोमेट्रिक मशीन्स की, और जो जो आपको रिक्वायरमेंट हो, वाईफाई राउटर्स हो गए, इतना के मुझे वहाँ देखना पड़ा सामान भी। अभी एक हमारे पास क्यूरी है पावर सप्लाईज की, पावर सप्लाईज की हमारे पास वैरायटीज हैं, करीब 3 से 4 किस्म की हमारे पास वैरायटीज हैं पावर सप्लाईज जो सीसीटीवी कैमरास में यूज़ होती हैं। तो उन सब की भी मैं एक व्लॉग कंप्लीट बनाऊंगा, उसमें उन सब के प्राइस भी मेंशन करूंगा कि हैदराबाद में क्या क्या प्राइस उनके चल रहे हैं। तो मज़ीद इस टाइप की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, जैसे आप सब ठीक हैं, देख सकते हैं मैं लॉगिन करता हूँ, आप देख सकते हैं मोबाइल में सिस्टम्स। अभी माइक्रोफोन ऑफ कर देते हैं, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है डायरेक्ट, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऑफ। ये देखें, आपको बिफोर सिस्टम हम दिखा दें, वो ऐसे कि ये रहा ये ऑप्शन, ये होता है सायरन का कि आप किस किस पे देना चाहते हैं। एक आधा ऑप्शन ऑल का, एक आधा पर्सन, व्हीकल, पैट, पैकेज, मोशन या साउंड। इन ऑप्शंस में से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे ओके कर देंगे, या ऑल पे करना चाहें ऑल पे भी हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप अपने आसपास देखें, तब इसको दे सकते हैं। और ये सिक्योरिटी रिपोर्ट आ गई, एनहांस्ड एआई डिटेक्शन, एसडी कार्ड सेटिंग, ठीक है। और ये डिस्प्ले आ गया, सायरन यहाँ से भी बजता है, ऑफ कर दिया। देखेंगे इसका सायरन बज रहा है, अलार्म जब आप एक्सेस देंगे तब बजाएगा ये, जैसे आप मशकूक को एयर का देखें तब इसको बजा सकते हैं।